हरैया तहसील प्रशासन भले ही भ्रष्टाचार में लिप्त कमाऊ पूत के रूप में पहचाने जाने वाले राजा संरक्षक अनिल श्रीवास्तव को लगातार संरक्षण प्रदान कर रहा था, परंतु अपने कृत्यों के चलते कानून को अनिल श्रीवास्तव कप्तानगंज बाजार में अपने ब्रेजा कार में बैठकर घूस लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन के हाथ चढ़ गए। अनिल श्रीवास्तव हरैया तहसील में राजा संरक्षक पद पर कार्यरत थे। पूर्व में वे इसी तहसील में बतौर लेखपाल भी कार्य कर चुके हैं, जिसके कारण धन उगाही के सभी तौर तरीकों में इन्हें महारत हासिल थी। सूत्रों की माने तो अकेले ही इन्हीं के स्तर पर धारा 28 की 2 दर्जन से ज्यादा फाइलें सुविधा शुल्क न जमा होने के कारण कई वर्षों से धूल फांक रही हैं, परंतु इनके द्वारा उन पर रिपोर्ट लगाकर अग्रसार नहीं किया जा रहा है। इनके धन उगाही के चर्चा क्षेत्र में जोरों पर थी, परंतु बिना साक्ष्य कार्यवाही से लगातार बच रहे थे। इनकी कार्य प्रणाली से आज जाकर रमवापुर निवासी इशराड ने इन्हें रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम से पकड़वाने की योजना बनाई। एंटी करप्शन टीम ने निर्देशित में पीड़ित इशराड ने सुविधा शुल्क देने के लिए कानून को अनिल श्रीवास्तव के समय लिया। तय समय के मुताबिक इशराड कानून को अनिल श्रीवास्तव को घूस का पैसा देने कप्तानगंज चौराहे पर पहुंचे, जहां पहले से ही कानून को अपनी ब्रेजा कार में बैठे थे। और जैसे ही इशराड ने पैसे के लिए पहले से ही वहां मौजूद एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ उन्हें दबोच लिया। अग्रिम कार्रवाई हेतु बस्ती कोतवाली ले गए तथा इस प्रकरण में एंटी करप्शन टीम ने मीडिया को फोन के माध्यम से बताया कि राजा संरक्षक अनिल कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत सही पाई गई, जिन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर कोतवाली थाने में बैठाया गया है। मामला कर्मचारी से जुड़ा होने के कारण विधिक कार्रवाई पर कर प्रेस नोट जारी किया जाएगा। 21/12/2023 को एंटी करप्शन टीम द्वारा राजस्व निरीक्षक अनिल कुमार श्रीवास्तव को रिश्वत के आरोप में अरेस्ट किया गया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।